एक बार एक पिता अपने बेटे से मिलने शहर जाता है। वहाँ एक खूबसूरत लड़की भी उसके बेटे के साथ रहती है। तीनों खाना खाने की मेज पर बैठते हैं। बाप अपने बेटे से पूछता है, बेटा तुम्हारे साथ यह लड़की कौन है? बेटा कहता है, पापा ये लड़की मेरी रूम पार्टनर है और मेरे साथ है। बेटा कहता है, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो, हमारे बीच कोई ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। पापा हमारे कमरे भी अलग अलग है और हम अलग अलग सोते हैं, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। बाप कहता है, अच्छा बेटा। दूसरे दिन वो वापस चला जाता है। एक हफ्ते बाद लड़की लड़के से कहती है, सुनो मेरी घड़ी कुछ दिनों से नहीं मिल रही है, देखो वो घड़ी मेरी माँ की निशानी है, मैं सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ, मुझे शक है कि उसे तुम्हारे पिता ने ही चुराई होगी, क्योंकि उनके आने के बाद ही वो नहीं मिल रही है। लड़का गुस्से से बोलता है, ये तुम क्या बक रही हो, बकवास बंद करो। लड़की कहती है कि एक बार तुम्हें अपने पापा से पूछ लेना चाहिए, पूछने में क्या बुराई है। लड़का कहता है, ठीक है। वो लड़का अपने पिता को एक ईमेल लिखता है और भेज देता है, प्रिय पिताजी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने लड़की की घड़ी चुराई है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आपने नहीं चुराई है, अगर आप गलती से घड़ी अपने साथ ले गए हो तो कृपया उसे वापस कर दे, ताकि वो लड़की की माँ की निशानी है। उसके पापा उसे एक घंटे बाद जवाब भेजते हैं, प्यारे बेटे मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारी लड़की दोस्त तुम्हारे साथ सोती है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि वो तुम्हारे साथ नहीं सोती है, अगर वो अपने कमरे में अपने बिस्तर पर सोती तो वो पूरे हफ्ते में एक बार अपनी तकियों को जरूर उठाती तो उसे वो घड़ी तकिए के नीचे मिल जाती, क्योंकि मैंने उसकी तकिए के नीचे ही घड़ी को छुपा दिया था। तो दोस्तों बाप बाप होता है। उम्मीद करती हूँ कि ये छोटी सी कहानी आप सभी को जरूर पसंद आई हो।